नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज 5 जून है, 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस। लेकिन हम बात करेंगे आज इंदौर के पर्यावरण की और इंदौर की खान नदी की। आज इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में आए हुए खास मेहमान नरेंद्र सुराना जी, जो CEPRD के सचिव हैं और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है सुराना जी। CEPRD क्या कर रहा है अभी? पर्यावरण संरक्षण अनुसंधान एवं विकास केंद्र, जिसको कि CEPRD के नाम से ज़्यादातर लोग जानते हैं, पिछले 14 साल से ये संस्था इंदौर शहर के पर्यावरण संरक्षण का कार्य कर रही है। और इसमें इंदौर के बुद्धिजीवी, विशेष करके टेक्नोक्रेट्स, एजुकेशनिस्ट, पर्यावरणविद, ये सब मिलके पिछले 14 साल से इंदौर के पर्यावरण संरक्षण पर कार्य कर रहे हैं। अभी खान नदी को बचाने की बात हो रही है, क्या खान नदी जीवित की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। वैसे भी देखा जाए तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती है। और मात्र 60-70 साल पहले तक ये नदी जीवित थी। वो 60-70 साल में ये नदी जब खराब हुई है, तो इसको वापस जीवित करने में कुछ समय जरूर लग सकता है, लेकिन ये जीवित हो सकती है। पंजाब में संत सिंचेवाल में एक जगह इसी तरह की थी, जहाँ गुरु नानक देव जी गए थे, उस नदी के किनारे वो नदी अपवित्र हो गई थी। लोगों ने मेहनत करके उस नदी को वापस जीवित कर दिया, तो ऐसी बात हो सकती है। खान नदी का महत्व क्या है? सर, खान नदी का महत्व एक्चुअल में इंदौर की उत्पत्ति सिर्फ इसलिए हुई थी कि यहाँ पर खान नदी बहती थी। इंदौर की उत्पत्ति कोई ज़्यादा पुरानी नहीं, सिर्फ 350 वर्ष पहले ये शहर बसना चालू हुआ है। सारा शहर जो है वो इसी नदी के किनारे बसा प्रारंभ में, और उसके बाद इसका फैलाव होता गया। आज की तारीख में यदि हम बात करें तो ये नदी में सिर्फ, चूँकि बाकी बारिश का पानी जो है, बारिश के टाइम पर तो ये बराबर नदी का स्वरूप रखती है, लेकिन बारिश के बाद में जो इसमें जहाँ जिस कैचमेंट से पहले पानी आता था, वहाँ पर कई प्रकार के अतिक्रमण और झाड़ वगैरह कटने के कारण से वो पानी की आवक खत्म हो गई है। इसलिए बाकी समय पे सूखी पड़ी रहती थी, और शहर एक कटोरानुमा एक टोपोग्राफी है यहाँ की, इसलिए शहर का सारा पानी बह के इस नदी की तरफ आता है। इसलिए सारा गंदा पानी इस नदी के अंदर इकट्ठा होने लगा और वो नाले में धीरे धीरे तब्दील हो गया। खान नदी में पूरे आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों का पानी है, पालदा क्षेत्र की इकाइयां, सांवे रोड की इकाइयां, ये सारी औद्योगिक इकाइयों का गंदा पानी खान नदी में मिलता है। इनको रोकने की कोई कोशिश कभी की गई? सर, इसके रोकने की कोशिश का जहां तक सवाल है, पॉल्यूशन कंट्रोल का जो नियम है वो सन 2000 से लागू है, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट है। कोई भी इंडस्ट्री अपने यहाँ का पानी एक पर्टिकुलर लिमिट तक साफ करे बिना कहीं भी नहीं डाल सकता है वो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है, इसके लिए सारी इंडस्ट्रीज का पानी इस नदी के अंदर आ रहा है। एक दौर था जब लोग कहते हैं खान नदी का पानी इतना साफ था कि उसमें मछलियां तैरती थी, कृष्णपुरा की झील के किनारे हाथी नहाते थे, महाराजा के हाथी नहाते थे, लोग यहाँ पर अब मुंडन संस्कार करते थे, तमाम तर्पण के कार्यक्रम करते थे। अभी भी इंदौर में 2-3 जगहों पर तर्पण कार्यक्रम होते हैं खान नदी के किनारे ही। तो इस स्थिति में कितना समय लग सकता है? इस स्थिति में यदि जागरूकता के साथ जन अभियान के रूप में इसको चलाया जाए, तो ज्यादा से ज्यादा अगले 7-8 साल के अंदर इस नदी को पुनर्जीवित किया जा सकता है। 7-8 साल लग सकते हैं इसमें, क्योंकि CPCB केंद्रीय प्रदूषण निवारण बोर्ड ने जांच की तो पाया गया कि यहाँ का पानी बहुत ज्यादा प्रदूषित है। जिस पानी में ऑक्सीजन की मात्रा जितनी होनी चाहिए थी इस पानी में, वो नहीं निकली। तो क्या है कारण? इसका कारण वही हुआ है कि इंदौर शहर की जो ड्रेनेज स्कीम बनने में पूरे 60 साल लग गए। 1936 के अंदर होलकर महाराज ने यहाँ पे शहर के 3/4 भाग के अंदर ड्रेनेज स्कीम बनाई थी, और उसके पानी को सीधा शहर से निकाल के ले जाके कबीट खेड़ी के ऊपर ले जाया जाता था। तब से लगा के आज तक इंदौर को स्कीम, ड्रेनेज की स्कीम नहीं मिली, इसलिए सारा ड्रेनेज का पानी जो है वो इन नदियों में बहने लगा। और उनको रोकने के लिए अब चूंकि JNURM के अंतर्गत सीवरेज की पूरे शहर की स्कीम बन गई है, उसमें ध्यान सिर्फ इतना ही देना है कि एक भी बूंद ड्रेनेज का पानी इस नदी में नहीं आए। और इसी प्रकार से जो इंडस्ट्री इसमें पानी डाल रही है अपना गंदा पानी, उसको यदि रोकथाम कर दें तो ये नदी अपने आप साफ हो जाएगी। क्या ये संभव है? इंदौर के राजनीतिक हालात और लोगों की जागरूकता देखते हुए लगता है कि संभव है? बिल्कुल संभव है सर, इसमें कोई किसी का कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। ऑलरेडी JNURM से आपके इतना पैसा आ चुका है, योजना जो बनाई गई वो इसी उद्देश्य से बनाई गई कि कोई भी एक बूंद पानी ड्रेनेज का इसमें नहीं आए। इंडस्ट्री का जहाँ तक सवाल है, उनको कंट्रोल करने के लिए पॉल्यूशन बोर्ड के पास में इतनी शक्तियाँ हैं
कि वो अपने ऑफिस से बैठ के इसको कंट्रोल कर सकते हैं। 1985 में महेश जोशी जी ने यहाँ इसकी शुरुआत की थी कि खान नदी को सुरक्षित करेंगे। 1992 में जयंत मलैया मंत्री थे, उन्होंने कुछ पैसे दिए, 1,92,00,000 रुपए। उसके बाद फिर नहर भंडारा की बात हुई, फिर कभी नौलखा पर गाद निकालने का काम करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि यहाँ पर झील होगी, नौका विहार करेंगे। ये सारी बातें कागजों पर लगती हैं। इनके असफल होने का जो एक सबसे बड़ा रीजन है सर कि एकीकृत योजना नहीं बनाई गई। कोई भी नदी को किसी एक जगह आप ठीक कर दो और सोचो कि वो नदी ठीक हो गई है, वो संभव ही नहीं है। इसके उद्गम से लगा के शहर के बाहर जाने तक, कबीटखेड़ी तक, यदि एक एकीकृत योजना यदि बन जाती है और उस पर यदि अमलीजामा पहनाया जाता है स्टेप वाइज, तो ये काम बहुत ही सरल है, कठिन नहीं। क्या इंदौर के लोग तैयार हैं इस तरह की मदद करने के लिए? अभी तक सर हम पिछले 6 महीने से CEPRD इस काम के अंदर काम कर रही है और हमने सबसे पहले इसके हिस्टोरिकल फैक्ट्स, पुराने जमाने की हाइड्रोलॉजी, ये सब चीज़ें एकत्रित की है। इसलिए हम अब दावे से कह सकते हैं कि अब संभव है इस नदी को जिंदा करना, एक बात। दूसरी बात, जन सहयोग का जहाँ तक सवाल है तो सबसे ज़्यादा दुखी नागरिक हैं इस बात से। शहर के लोग जो उनके आसपास रहते हैं वो दुखी हैं, भयंकर दुखी हैं उसके कारण से, और हर व्यक्ति जो इनके नदी से एक शहर के इस कोने से दूसरे कोने पे जाता है तो इसके ऊपर बने हुए नंबर आप पुल के ऊपर से गुजरता है और वहाँ जिस प्रकार की बदबू आती है उसके कारण से वो परेशान है। दूसरा, जब भी कोई बाहर से कोई आदमी आता है और उनको हम जब दिखाने के लिए ले जाते हैं शहर, तो इस जगह से हमें काफ़ी भला बुरा सुनना पड़ता है। नागरिकों को अपनी तरफ करना कोई कठिन काम नहीं होता। क्या इंदौर के नागरिक थोड़े संवेदनशील नहीं है, उन्हें इस शहर से प्यार नहीं है? ऐसा लगता है कि इनको प्यार है सर? ऐसा होता तो ऐसी हालत होती ही नहीं सर। ऐसा होता तो यहाँ पर इतनी सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इतनी सारी संस्थाएं और इतने सारे लोग जो कि काम कर रहे हैं, कई कई बार तो ऐसा भी कहा जाता है कि शासन से अधिक काम यहाँ की सामाजिक संस्थाएं कर रही है। तो ये बात तो सिर्फ इसका हल ही ढूंढने की बात है खाली। क्या रिटेनिंग वॉल बन सकती है, बनेगी उसके आगे जहाँ जहाँ खान नदी है? क्या चैनलाइजेशन होगा पानी का? क्या वहाँ क्या पूरी खान नदी में स्टॉप डैम बनेंगे? क्या वहाँ से गाद निकाली जाएगी? बातें होती कि निकालेंगे, थोड़ी से निकालते हैं फिर रुक जाती है बात, बारिश आने वाली है गाद निकाल लेंगे, बाकी बात ऐसी कि वैसी। सर एक तो सबसे बड़ी बात है कि इसकी जब एकीकृत योजना बनेगी तो उसके अंदर जो एक बेसिक फंडामेंटल है जिसके कि ये चैनल वैनल बनाने की जब भी बात करते हैं वो प्रकृति के विपरीत है। प्रकृति के अनुसार आपको इस नदी का जो भी चौड़ाई थी इसकी, इस पूरी चौड़ाई को आपको वापस ओरिजिनल स्थिति में लाना होगा। हाँ। जो अब प्राइमरी सर्वे किया गया उसमें हमने पाया गया कि ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है, क्योंकि 80% जगह अभी भी सुरक्षित है, मात्र 20% जगह ऐसी है जहाँ पर कि कुछ किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न हुआ है। तो एक बात तो ये कि चैनलाइजेशन करना मतलब उसको नाली बनाना है, तो चैनलाइजेशन करने वाली बात तो जो है वो तकनीकी दृष्टि से उचित नहीं होगी, उसको वापस नदी का स्वरूप देना पड़ेगा। जितनी भी खुली जगह है वहाँ पे डेंस फॉरेस्टिंग करना पड़ेगा ताकि वो अपने आप प्रोटेक्टेड रहे भविष्य के अंदर भी। और यदि हम इसको वापस घास और गाद निकालने का, गाद तो इसलिए निकालना पड़ती है कि बारिश के बाद के 9 महीने के अंदर इसमें सिर्फ ड्रेनेज का पानी और इंडस्ट्रियल वेस्ट ही बहता है, तो जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स रहते हैं वो नीचे जमते जाते हैं। लेकिन एक बार यदि इसको वापस नदी का स्वरूप यदि हमने दे दिया तो उसके इसमें गाद निकालने का तो प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। इंदौर जैसे शहर में जहाँ पे लोग 13 किलोमीटर की BRTS सड़क बनाने में बाधाएं खड़ी कर देते हैं, कोई गुरुद्वारा बनाकर रोक देता है, नजूल की जमीन पर, सरकारी जमीन पर कब्जा करके जिसका कोई किराया नहीं दिया जाता, उस सड़क को खाली करने में लोगों को लगता है कि उनके हम को ठेस लग रही है, मस्जिद बन जाती है, मंदिर बन जाते हैं, और तो वहां न्याय मूर्तियों के परिचितों की उनके बंगले आ जाते हैं। अरे वो जमीनें जो ट्रस्ट को सरकार ने दी थी, नजूल विभाग की ओर से ट्रस्ट को जमीन मिली थी जहां विभाग के गार्डन बन जाते हैं, जहां सरकारी जमीन पर लोगों ने कब्जे कर रखे उसे खाली करने को तैयार नहीं है, वहां लोग कैसे नदी के लिए दान करेंगे? सर इसमें आपकी सकारात्मकता की मैं कद्र करता हूं, आपकी भावनाएं बहुत पवित्र हैं, लेकिन शहर के लोगों की भावनाएं तो ऐसी है नहीं। वे लोग तो इस शहर को लूटने खसोटने में लगे हैं, उन्हें लगता है कि यहाँ नजूल की जमीन हमें मिल जाए मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, गुरुद्वारा के नाम पर, तो हमारी दुकान चल निकलेगी। सर ये जो कुछ भी हुआ ये एक्चुअल में जो सिचुएशनल हुआ है सारा का सारा। मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ कि जब बॉन्ड रोड सड़क की योजना बनाई गई थी और उसके बीच में भी कई जगह पे मंदिर मस्जिद वगैरह आए थे, लेकिन जब इच्छा शक्ति के साथ में अधिकारी और राजनीतिक लोगों ने जाके उन लोगों से बात की तो उनने स्वेच्छा से अपने मंदिर और हटा के, आज आपने देखा होगा कि
मास्टर प्लान की रोड विड्थ से करीब 25 सड़कें बन चुकी इंदौर शहर में। तो सवाल सिर्फ इतना उस इच्छा शक्ति का, एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी इच्छा शक्ति का सवाल है। जब और अगर वे ही ना बनाना चाहें क्योंकि इसमें उन्हीं के हित हो तो क्या होगा, क्या नागरिकों की आवाज उनके ऊपर जा सकती? फॉर्चुनेटली सर भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इन सब चीजों के लिए अच्छी कड़ी व्यवस्था है उसमें सर। मतलब हम आशा करें कि शहर का भला होगा? हो सकता सर यदि सबकी मंशा यदि इसको हम जोड़ लें इसके साथ। आजकल एक शब्द बड़ा चल निकला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये क्या चीज है, ये इसे आप किस तरह एक आम नागरिक उसको कैसे समझे? बहुत सिंपल चीज है सर। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो भी विकास हुआ है आज से लगा के बरसों पहले से उसमें हमने, क्योंकि विकास का सीधा संबंध है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना और वो प्रकृति हमारी प्रेजेंट जनरेशन की बपोती नहीं है, ये आने वाले जनरेशन की भी बपोती है। और इसलिए जब भी हम भी कोई विकास कार्य करते हैं और उसको यदि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कैटेगरी में रखना है तो उसमें आपको ये करना पड़ता है कि आपके विकास के कारण से यदि किसी प्रकार का कोई पर्यावरण का नुकसान हो रहा हो तो उसके लिए उसकी प्रोजेक्ट की कास्ट के अंदर उस बजट को प्रावधान करना पड़ेगा उसको रिवाइव करने के लिए। यदि ऐसा हुआ होता तो आज खान नदी के लिए पैसे की हमको कहीं इधर उधर झांकना नहीं पड़ता। यानी अगर एक सड़क बन रही है, सड़क बनाने के लिए 100 पेड़ काटे जाने हैं तो 100 पेड़ों की जगह 100 से अधिक पेड़ लगाने की व्यवस्था होनी चाहिए। सिर्फ लगाने की नहीं सर, लगाने के वापस उसकी 30 साल की, हाँ 30 साल की उसकी उम्र, जिस उम्र में आपने उस झाड़ को काटा है। यदि आपने 15 साल का झाड़ काटा है तो वापस 15 साल का झाड़ लगने में जितनी कास्ट आने वाली है वो उसकी प्रोजेक्ट कास्ट में जोड़ना पड़ता है। क्या ऐसा हो रहा है इंदौर के आसपास की सड़कों सर? अभी हमारे भारत में इस प्रकार से ये चीज को अभी पूरी तरीके से अडॉप्ट नहीं हुआ है। कुछ कुछ बड़ी योजनाओं के अंदर इस चीज का प्रावधान जरूर किया गया लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में तो ये एक तरीके से नियम ही है। अब पर्यावरण, बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है पर्यावरण को समझने का महत्व। हर साल हम 5 जून को बड़ा आयोजन करते हैं, नारे निकलते हैं, नारे लगाते हैं, प्रभात फेरी निकलती है, अखबारों में लेख छपते हैं, कई लोग पर्यावरणविद बनने का तमगा लिए घूमते हैं। लेकिन जो काम करना चाहिए, जितने पेड़ मानव ने लगाए उससे ज़्यादा पेड़ तो पशु पक्षियों ने लगाए, गिलहरियों ने लगाए हैं, पक्षियों ने लगाए हैं, ऐसा नहीं? बिल्कुल सही है साहब, आपका इकोलॉजी बोलते हैं इसको सर जी। और प्रकृति के साथ जब भी खिलवाड़ हुआ है तो इकोलॉजिकल इम्बेलेंस हुआ है। किसी जमाने में इंदौर शहर के अंदर जितने पशु पक्षी आते थे या रहते थे यहाँ पर, चूंकि हमने इकोलॉजिकल डिस्टर्ब कर दिया विकास के साथ में, हमने पर्यावरण के साथ जो खिलवाड़ किया है तो पशु पक्षी आने नहीं लगे। पशु पक्षी इतना बड़ा साधन है झाड़ लगाने का सर कि वो जो बीज खाता है या कोई भी चीज खाता है और उसके एक्सक्रीट के साथ में जो बीज के साथ में उसका एक्सक्रीट रहता है वो इतना बड़ा खाद होता है कि वो मात्र जमीन पे गिरने के बाद ही वो झाड़ में कन्वर्ट हो जाता है और 3-4 साल तक वो खाद उसके लिए सफिशिएंट रहता है। मैंने कहीं पढ़ा है कि गिलहरियों ने लाखों पेड़ लगाए हैं, लाखों पेड़ हर साल लगाती हैं, कहीं निम्बोली या कोई बीज या चना या मूंगफली का दाना उसे मिलता है, वो मिट्टी खोद के गाड़ देती है ताकि बाद में आके खा सके, और वो भूल जाती है गिलहरियाँ। लेकिन अब तो गिलहरियाँ ही शहर से गायब हो गई। इकोलॉजिकल इम्बेलेंस के कारण से ये स्थिति बनी है। जितने भी पशु पक्षी हैं सर इंदौर के अंदर, आपको देखा होगा कि चंदन के झाड़ काफी उगे हुए हैं जिसको कि उगाया नहीं जा सकता है बीज से, वो सब उन पक्षियों की एक्सक्रीट से बीज निकले हुए हैं जिसके कारण से इंदौर शहर में इतने सारे चंदन के झाड़ लगे हुए हैं। और मानव का काम है केवल पेड़ों को काटना, ये दुर्भाग्य है। आजकल एक एक पैमाना होता है पानी की शुद्धता नापने का, उसे BOD कहते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या होता है? 1 लीटर पानी में 3 ml BOD होना चाहिए लेकिन खान नदी में यह 50 मिलीग्राम है। इसका मतलब है कि करीब करीब 15 गुने से ज्यादा प्रदूषित है खान नदी। एक्चुअल सर पानी का जो जल प्रदूषण होता है उसको मापने की जो यूनिट है उसको BOD से मापा जाता है, और कोई भी पानी की स्वच्छता के लिए जो उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है उससे उसकी क्वालिटी का निर्धारित होता है। जैसे जैसे उसमें प्रदूषण बढ़ता जाता है वैसे वैसे BOD की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाती है, और BOD की वैल्यू का बढ़ने का क्लियर मतलब है कि उसके अंदर जो ऑक्सीजन रहना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि हम जब तालाब के अंदर डुबकी लगाते हैं तो कहा जाता है कि 3 मिनट तक आप उसके अंदर रह सकते हैं, तो उसके अंदर आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी इतनी देर तक, इतनी ऑक्सीजन उसमें रहती है। सरल भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये जो ऑक्सीजन जो पानी के अंदर रहती है वो जैसे जैसे उसका प्रदूषण बढ़ता रहता है तो प्रदूषण के कारण से जो बैक्टीरियाज रहते हैं वो उस ऑक्सीजन को खा लेते हैं,
कंज्यूम कर लेते हैं, इसके लिए वो खराब होती है। तो यही चीज इसको ट्रीटमेंट के लिए भी काम में ली जाती है कि ऐसे ऐसे प्रकार के जीवाणु उसके अंदर उत्पन्न किए जाते हैं जो कि उसकी ऑक्सीजन को खाए बिना बल्कि और ऑक्सीजन उसके अंदर क्रिएट कर देते हैं। खान नदी के बारे में आम लोगों से, इंदौर के लोगों से आप क्या अपील करेंगे कि वो क्या सहयोग दें कि खान नदी वापस निर्मल हो जाए, उसमें पानी, शुद्ध पानी बहता नजर आए और इंदौर शहर एक साफ सुथरा शहर लगे? इसके लिए बहुत सरल एक बात है सर, तो ये कि खान नदी जो है वो आपके लिए, इंदौर के लिए एक शान है, क्योंकि इसके कारण आज तो हम कहते हैं कि हमारे विकास के कारण से इंदौर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है, लेकिन पुराने जमाने में यदि आप बात करेंगे तो खान नदी के कारण, क्योंकि खान नदी जो है वो गंगा की साउथ बेसिन की पहली नदी है जी, और इसके कारण से खान नदी के कारण से ही इंदौर को पहचाना गया। यानी खान नदी का पानी जाकर क्षिप्रा में मिलता है, क्षिप्रा का पानी जाकर चंबल में मिलता है, चंबल का पानी यमुना मिलता है, क्या क्या है पूरा चक्र? हाँ यही सर्कल है सर कि खान नदी जो है वो यहाँ से जाके आगे जाके उज्जैन के आगे जाके क्षिप्रा पे मिलती है जी। उमरिया गांव इंदौर से 11 किलोमीटर दूर है, वहाँ से इसका उद्गम है जी। ये इसके बाद जाके क्षिप्रा में मिलती है, क्षिप्रा जाके चंबल में मिलती है और चंबल नदी जाके यमुना में मिलती है और यमुना नदी मिलके जाके गंगा में मिलती है। यानी इस नदी के जरिए हम गंगा नदी तक हमारी पहुँच हो सकती है, पहुँच होगी और गंगा नदी को साफ करने को जिसको कि हम माँ बोलते हैं जी, उसको साफ करने में हमारा सबसे बड़ा योगदान रहेगा। यानी अगर आप गंगा को साफ रखना चाहते हैं तो खान नदी को साफ रखना पहली शर्त एकदम जरूरी है, और इसीलिए मेरा कहना है कि यदि हम गंगा को माँ और पवित्रता मानते हैं या उसको पवित्र करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको खान नदी को साफ करना होगा। मतलब ये बात केवल भावना की नहीं है बल्कि तथ्यों की है, सिद्धांत की है कि जब खान का पानी आगे जाकर गंगा में मिलेगा विभिन्न क्षिप्रा और चंबल यमुना के माध्यम से, तो शहर साफ रहेगा, गंगा नदी साफ होगी। आज 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस है, अगर इंदौर के नागरिक ये शपथ ले लें कि हम खान नदी को साफ करने की कोशिश करेंगे, इसे वापस निर्मल करने की कोशिश करेंगे, यहाँ वैसा ही साफ पानी बहे जो निर्मल रहे, जिसमें नहाया जा सके, जिसके पानी को पिया जा सके, ये कल्पना लगती है लेकिन ये असंभव कार्य नहीं है, लेकिन हम इसे गंदा करने की कोई कोशिश न करें, इसे साफ रखने की कोशिश करें तो भी ये हमारी आने वाली पीढ़ियों पर बड़ा एहसान होगा। आप हमारे स्टूडियो आए, सुराना जी हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बुलाया। न्यूज़ ब्रेकर्स में फिलहाल इतना ही।